वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अब तक अपना फार्माकोग्नोसी में चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है। आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर 5, जिसमें से हमें क्या पढ़ना है। देखो एक बार मैं आपको पूरा चैप्टर दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कैसी हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो जो भी हम क्रूड ड्रग पढ़ेंगे ना, सबके अंदर क्या है, ड्रग्स आ रही है। ये क्या है, सारी ड्रग्स है। तो हमें इन ड्रग्स का क्या क्या पढ़ना है, देखो बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ना है, थेरापिटिक एफिकेसी यानी कि थेरापिटिक यूज पढ़ना है इन्हीं सभी ड्रग्स का। तो हमने अपना इस वीडियो में अभी स्टार्ट किया है लक्सेटिव्स के बारे में। ऐसे आपको देखो ये पूरा जो है चैप्टर 5, ये आपका कितने 30 आवर्स का चैप्टर है, यानी कि 30 घंटे का, यानी सबसे ज्यादा बल्क में जो आता है चैप्टर्स में से, वो कहाँ से आता है, पूरा इसी चैप्टर से आता है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, लक्सेटिव्स के बारे में। इसमें भी हमने स्टार्ट किया है अपना एलॉय और कैस्टर ऑयल के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। देखो लिख रखा है मैंने यहाँ भी कि हम इसमें क्या देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स को देखेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि अगर कोई भी ड्रग है उसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, और थेरापिटिक यूज की जो भी ड्रग है हमारा उसका कहाँ ट्रीटमेंट में कैसे यूज होगा, किस तरीके से। तो चलिए देखते हैं लक्सेटिव्स क्या होता है। देखो लक्सेटिव्स कुछ नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना है ना घबराना है। ये क्या होता है, देखो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टूल को क्या करते हैं, पास करवाते हैं। यानी कि अगर देखो अगर हम हमारा डाइजेशन नहीं हो पा रहा है और अच्छे से, बोलते हैं ना कि स्टूल पास नहीं हो पा रहा है, तो कितनी सारी दिक्कतें हो जाती है। यानी कि क्या हो जाता है, दो चीजें होती है, एक डायरिया होता है और एक क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। डायरिया यानी कि स्टूल ज्यादा से ज्यादा ही पास होता जा रहा है, वाटरी कंटेंट हमारा पूरा बॉडी से निकलता जा रहा है, और अगर वही कंटेंट जो वेस्ट मटेरियल है जितना भी, अगर वो हमारे इंटेस्टाइन में रह जाता है तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गया, यानी कि कब्ज हो गया। तो अब उसी चीज को क्या, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने के लिए, उससे आराम दिलाने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, लक्सेटिव्स का यूज करते हैं। किसका, लक्सेटिव्स का। तो लक्सेटिव्स क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है, क्या कहते हैं उसको, बाउल मूवमेंट, यानी कि जो हमारा जो मटेरियल रह गया है इंटेस्टाइन में, तो उसकी क्या मूवमेंट इतनी बढ़ा देते हैं, उससे करवाते हैं कि वो स्टूल के फॉर्म में क्या हो, बाहर निकल जाए हमारे बॉडी से। तो वो क्या होता है हमारे, वो ही लक्सेटिव्स होते हैं। तो देखो जैसे या तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगी, यानी कि बार बार, बोलते हैं ना कि डिफेकेशन होता रहेगा, या फिर स्टूल को क्या कर देंगे, सॉफ्ट बना देंगे। तो यही किसका काम होता है, लक्सेटिव्स का। तो इसके अंदर देखो कौन कौन सी ड्रग्स आती है हमारी, सबसे पहली आती है एलॉय, फिर उसके बाद कैस्टर ऑयल, स्पाहुला और सेना। तो इसमें हम अपना कवर करेंगे एलॉय के बारे में और कैस्टर ऑयल के बारे में। तो चलिए देखते हैं, काफी इजी है, बस आपको चार चीजें बतानी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एक तो सबसे पहले कोई भी चीज बता रहे हो तो उसका क्या बता दो, सिनोनिम बता दो, है ना, कि ये क्या है, कंटेंट को बढ़ाने के लिए है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले एलॉय के बारे में। तो एलॉय क्या होते हैं, देखो एलॉय हमारे, सबसे पहले नाम सुना होगा आपने एलोवेरा जेल, है ना, एलोवेरा जेल सुना है ना। तो हाँ, तो एलो क्या है, वो उसकी भी एक क्या है, स्पीशीज है हमारी, क्या, एलोवेरा जेल। तो ऐसे ही हमें और सारे एलो के बारे में पढ़ना है। तो एलोए का देखो सिनोनिम क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है काफी बार हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पे भी। तो देखो क्या होता है, घृत कुमारी, क्या है, घृत कुमारी, कुमारी एके, इस एके से याद कर लो, और इसे संस्क, है ना। तो इसमें क्या हो गया हमारा, घृत कुमारी हो गया, यानी कि संस्कृत में इसका नाम है यहाँ पे एलॉय का, क्या, घृत कुमारी। उसके बाद देखो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका, बायोलॉजिकल सोर्स हमारा होता है ये ड्राइड जूस होते हैं, किसके, लीव्स, यानी कि तुम्हें क्या याद रखना है कि एलॉय हमें किससे मिल रहे हैं, लीव्स से मिल रहे हैं, बहुत सारी एलॉय की स्पीशीज से। तो ये हो गया, और इसमें क्या होता है देखो हमारा कि जो स्पीशीज है ना, हमने उन्हीं की क्या, तीन स्पीशीज के बारे में अच्छे से बताया है, काफी इजी है। देखो कौन कौन सी, एलॉय बार्बिडेंसिस, एलॉय फेरोक्स और एलॉय पेरी करके। तो जो बार्बिडेंसिस है उसका भी क्या है, सिनोनिम है, एल ए डॉट है, यानी कि ये क्या है, एलॉय है, एलॉय वल्गैरिस, एलॉय ऑफिसिनलिस, एलॉय वेरा लिन। तो ये सब क्या है हमारे, बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, एलॉय का फर्स्ट हो गया। तो इसको हम एलॉय बार्बिडेंसिस को और किस नाम से जानते हैं, क्यूराकाओ एलॉय और बार्बाडोस एलॉय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूराकाओ और बार्बाडोस एलॉय। तो सी बी और किसके लिए है, ये बी से बार्बिडेंसिस, बी से क्या हो गया, बी, फिर उसके बाद क्यूराकाओ और बार्बाडोस एलॉय आ गया। और इसके सिनोनिम क्या है, देखो वल्गैरिस हो गया, ऑफिसिनलिस हो गया और एक एलोवेरा हो गया। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखो एलॉय फेरोक्स के बारे में, एलॉय फेरोक्स का ही दूसरा नाम क्या है, केप एलॉय। तो और हाँ, आपको एग्जाम में एक चीज ध्यान रखनी है कि
जो ये फर्स्ट लेटर है ये ही सिर्फ क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल होना चाहिए, ये हमेशा क्या रखना है हमें स्मॉल लेटर रखना है, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। और इसकी फैमिली क्या होती है, देखो लिलिएसी क्या होती है, देखो एलोए, एलोए में भी क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो ऐसी क्या है हमारा इसमें क्या हो गई, लिलिएसी हो गई इसकी फैमिली, याद रखने के लिए सही है ये। ए बी ए एफ ए पी ऐसे करके याद रहेगा ना, ये बी एफ पी करके याद कर लो, बारबिडेंसिस, फेरोक्स और पेरी, ये तीन हो गई हमारी किसकी, बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि वो चीज हमें कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से मिल रही है, ये कंप्लीट हो जाता है। और बायोलॉजिकल सोर्स से तो हमें पता है उसकी फैमिली भी होगी ये। और अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि ये जो जितनी भी हमने स्पीशीज देखी इनके अंदर कौन सा केमिकल है, और वो ही केमिकल को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसी का ही थेरापिटिक यूज होता है हमारा, हमारे फार्मेसी में। तो देखो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एक है एलोइन, एलोइन क्या है, ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड तुम पढ़ के आए हो अभी कि एक शुगर पार्ट होता है और एक नॉन शुगर पार्ट होता है, इस नॉन शुगर को एक ग्लाइकोन कहते हैं, और वो ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, यानी कि उसी को हम लेंगे तभी हमारी बॉडी में क्या दिखेगा, एक्शन दिखेगा, ये हो गया। और देखो एलोइन है इसकी दो कितने पार्ट्स में, देखो कितना होता है, जैसे 4 से 5% होता है क्या केप एलोय में, ठीक है, और 18 से 25% क्या होता है हमारा क्यूराकाओ एलोय होता है, ये हो गया एलोइन। इन दोनों में कितना पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड हमारा, उसके बाद इमोडिन हो गया, ये भी क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो एलोय के नाम से ही होंगे सारे, जैसे एलोइन लग गया वैसे इमोडिन हो गया, और वोलाटाइल ऑयल, हमारे वोलाटाइल ऑयल वही जो जल्दी से अगर एटमोसफेयर में आए तो वो उड़ जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, वो क्या होते हैं हमारे वोलाटाइल ऑयल होते हैं। और रेजिन्स भी बताया, ये भी आप पढ़ के आए हैं ऑल्सो, इसमें और क्या क्या होता है, देखो एंथ्राक्यूरोन ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, यानी कि वही ग्लाइकोसाइड जिसमें एंथ्राक्यूरोन रिंग होगी, उसमें क्या होगा, देखो उसमें हमारे तीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कौन से, बार्ब एलोइन, क्योंकि अभी पढ़ा हमने क्या बारबिडेंसिस थी ना एक स्पीशीज, तो उसी से याद रखो, इसे क्या है ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी वैसे ही होगा बार्ब एलोइन से, यानी कि इसमें कौन सा है सी ग्लाइकोसाइड होते हैं, यानी कि इसके ग्लाइकोसाइड में क्या कार्बन जुड़ा हुआ होगा नॉन शुगर और शुगर मॉइटी के बीच में, तो ये सी ग्लाइकोसाइड हो गया, उसके बीटा बार्ब एलोइन, उसके बाद आइसो बार्ब एलोइन, तो बार्ब एलोइन ये क्या है आइसोमर्स है हमारे किसके बार्ब एलोइन के, तो ये हो गया क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट काफी इजी, एलोइन बार्ब एलोइन ऐसे करके याद रखना है तो इजी लगेगा आपको काफी ये। उसके बाद देखो, और हाँ कि जो एलोय फेरोक्स है ना इसी को हम क्या कहते हैं केप एलोय कहते हैं, क्या कहते हैं केप, जो बारबिडेंसिस है वो क्या है क्यूराकाओ, और ये अगला भी सी से है केप एलोय। एलोय पेरी को क्या क्या कहा जाता है, सोकोट्रीन और जंगीबर एलोइज बोला जाता है, क्या सोकोट्रीन और जंगीबर एलोइज बोला जाता है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसके थेरापिटिक यूजेस देखते हैं, देखो ये रहे हमारे इसके थेरापिटिक यूज क्या क्या है, देखो सबसे पहले वही कि परगेटिव, अब ये परगेटिव क्या होता है, लग्जेटिव के ही अंदर क्या आता है हमारे परगेटिव वर्ड भी यूज होता है। ये रहे हमारे इसके थेरापिटिक यूज क्या क्या है, देखो सबसे पहले वही कि परगेटिव, अब ये परगेटिव क्या होता है, लग्जेटिव के ही अंदर क्या आता है हमारे परगेटिव वर्ड भी यूज होता है, यानी कि देखो लग्जेटिव जो होते हैं उनका थोड़ा माइल्ड एक्शन होता है, यानी कि काफी ज्यादा नहीं, अगर हम एक ही ड्रग है उसको अगर हम कम अमाउंट में दे तो वो हमारी लग्जेटिव की तरह काम करेगी, और उसको ही अगर हम ज्यादा अमाउंट में दे दे यानी ज्यादा डोज में दे दे तो वो क्या बन जाएगी परगेटिव। तो इस तरीके से परगेटिव क्या हुए, ऐसे सब्सटेंस जिनका स्ट्रांग एक्शन होता है जो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ दिलवाते हैं, तो वही कि इन्हें कॉन्स्टिपेशन में भी यूज करेंगे। और एलोय जेल, एलोय जो जेल होता है वो बर्न वगैरह को क्योर करने के लिए भी यूज होता है, हीट जैसे कि हीट से या फिर सन से या रेडिएशन से अगर स्किन वगैरह जल गई है तो वहां पे भी किसका यूज होता है एलोय जेल का यूज होता है। उसके बाद ये हमारे स्किन इरिटेशन में को ट्रीट करते हैं और क्या क्योर करते हैं स्किन डिजीज को और अल्सरेटिव स्किन, यानी कि जैसे स्किन पे छाले वाले हो गए या कोई भी स्किन डिजीज हो गई है तो वहां पे जैसे ये हमारे यूज होते हैं क्या एलोय यूज होते हैं। कहाँ पे यूज होता है ये हमारे कॉस्मेटिक की कंपोजिशन में भी यूज होते हैं, और देखो कंपाउंड बेंजोइन टिंचर के इंग्रेडिएंट में भी यूज होते हैं, फिर ये हो जाता है हमारा एलोय का कंप्लीट। तो अब चलो देखते हैं हम कैस्टर ऑयल के बारे में थोड़ा सा, फिर इन्हीं दोनों को रिवाइज करेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, इजी है काफी ये भी। उसके बाद कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल का सिनोनिम देखो क्या है, जैसे सिनोनिम यानी कि बिल्कुल उसका एक और नाम, ये होते हैं हमारे सिनोनिम यानी कि सेम नेम एक और। तो देखो क्या है कैस्टर बीन ऑयल हो गया, ओलियम रिसिनी हो गया, मैं बताऊं आपको कि इसमें ना रिसिनी वर्ड को अच्छे से याद कर लो, यही बायोलॉजिकल सोर्स के लिए यूज होगा, यही हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए होगा। तो क्या हो गया ओलियम रिसिनी, रिसिनस ऑयल,
कैस्टर ऑयल सीड, तो ये चारों क्या हो गए हमारे सिनोनिम हो गए। तो सिनोनिम बस थोड़ा कंटेंट को बढ़ाने के लिए है हमारे यहाँ पे। उसके बाद देखो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, ये कैस्टर ऑयल क्या होते हैं हमारे फिक्स्ड ऑयल होते हैं, फिक्स्ड ऑयल होते हैं। इनको हम कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, कोल्ड एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेस, यानी कि उसको प्रेस करके हम क्या करते हैं अपने कैस्टर ऑयल को बनाते हैं। तो किसकी सीड से, किसकी सीड से, रिसिनस कम्युनिस लेन की, रिसिनस कम्युनिस से हम क्या बनाते हैं अपने कैस्टर ऑयल को बनाते हैं इनकी सीड से। ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कि जहां से वो हमें मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है देखो जो ऑयल वगैरह होते हैं ज्यादातर सीड से ही निकलते हैं। जैसे हमारा सरसों के भी बीज होते हैं, वहां से सरसों का तेल बना लिया जाता है, तो ऐसे ही कैस्टर ऑयल के लिए है। इसकी फैमिली देखो क्या होती है, U4BAC की फैमिली होती है, क्या होती है U4BAC। तो मैं आपको इसके लास्ट में जैसे हमारी चारों कंप्लीट हो जाएंगे एक चार्ट के फॉर्म में भी पूरा बता दूंगी, कि आपको बस उसमें बायोलॉजिकल सोर्स लिखा रहेगा, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, शॉर्ट में एकदम, कि आप जल्दी भी जाए एग्जाम टाइम पे तो उसे पढ़ के चले जाए, ये हो जाता है। फिर उसके बाद देखो इसका क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, फिक्स्ड ऑयल, यानी कि देखो फिक्स्ड ऑयल हमने अभी देखा था कि ये क्या है, फिक्स्ड ऑयल है एक, तो फिक्स्ड ऑयल कितना होगा इसमें 45 से 55%। तो ये क्या होते हैं, ग्लिसराइड्स होते हैं हमारे, यानी कि ग्लिसराइड्स हो गई, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि लिपिड वगैरह हो गए, जैसे फैट्स हो गए, तो वहां ग्लिसराइड्स तो आना ही है, तो वो हो गए हमारे। तो उसमें देखो फिक्स्ड ऑयल में कौन कौन से केमिकल्स होते हैं हमारे, तो यही क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जिससे वो बना हुआ है, जो हमारे जरूरत की चीज है। जैसे रिसिनोलिक एसिड ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसी की वजह से ही क्या हमारा परगेटिव नेचर होता है, यानी कि वही कि बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करके स्टूल को बॉडी से बाहर निकाल दे, वेस्ट फूड है जितना भी हमारा, तो कॉन्स्टिपेशन को में रिलीफ दिलवाते। तो वो किसकी वजह से होता है, सबसे ज्यादा रिसिनोलिक एसिड की वजह से होता है। तो देखो रिसिनोलिक एसिड है, उसी से क्या एक उसका आइसोमर हो गया, एक तो आइसोरिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड होता है, ओलिक एसिड, तो एक ही कार है सब में ही, देखो सेम है। लिनो यहाँ पे रिसी था, यहाँ पे लिनोलिक कर दिया, उसके बाद ओलिक एसिड, लिन हटा के ओलिक हो गया, स्टेरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, ये सभी क्या है हमारे फिक्स्ड ऑयल के अंदर पाए जाते हैं सारे एसिड्स। उसके बाद देखो प्रोटीन्स में क्या क्या है, देखो वही जो आप ब्लड के प्रोटीन जैसे पढ़ के आते हो वैसे, जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, न्यूक्लियो एल्ब्यूमिन, और क्या ग्लाइको प्रोटीन, रिसिन और रिसिनाइन एल्कोलॉइड भी होता है, यानी फिक्स्ड ऑयल तो है ही और क्या है एल्कोलॉइड भी है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पाया जाता है। उसके बाद देखो थेरापेटिक यूज क्या है इनके, हमारे पर्गेटिव में यूज होता है, वही कि कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिल पाए। और ऐसे कैस्टर ऑयल जिनमें क्या है हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसको हम क्या ऑइंटमेंट बेस बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑइंटमेंट क्या है, एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जो कि थोड़ा स्किन पे रब करके यूज करी जाती है। तो वो क्या होता है वहां पे हमारे कैस्टर ऑयल किसकी तरह यूज करते हैं, ऑइंटमेंट को के बेस को बनाने के लिए यूज करते हैं, जिससे फिर हमारा फर्दर ऑइंटमेंट बनता है, वो हो गया। और हेयर ऑयल में यूज होते हैं कौन, हमारे कैस्टर ऑयल। उसके बाद हेयर फिक्सर की तरह, यानी कि हेयर को फिक्स कर देते हैं, ऑयल का काम ही यही होता है हेयर को फिक्स करना, मतलब होता है ना, तो वो थेरापेटिक यूज हो गया। और सोप इंडस्ट्री में यूज होते हैं ये हमारे, जहाँ पे हमारे साबुन वगैरह बनते हैं वहां भी हमारे क्या कैस्टर ऑयल का यूज होता है। कॉस्मेटिक्स में, पेंट में, लुब्रिकेंट यानी कि जो फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाए, वो वहां पे ग्रीस की तरह यूज और पॉलिशेस की तरह। तो ये हो गया क्या कैस्टर ऑयल के बारे में। तो एक बार इसको जल्दी से क्या करते हैं रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो अभी बताया था कि हमारे लग्जेटिव्स क्या होते हैं, वही जो बॉवल मूवमेंट को बढ़ाए और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाए, या तो स्टूल की फ्रीक्वेंसी यानी कि बार बार उसको इंक्रीज करके बार बार स्टूल को बढ़ाए, या फिर क्या करें स्टूल को सॉफ्ट बनाए। तो ये दोनों ही काम किसके हैं, लग्जेटिव के होते हैं। अभी हमने इसमें एलोय और कैस्टर ऑयल के बारे में देखा, एलोय का सिनोनिम देखा घृत कुमारी हो गया, बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि कितने टाइप्स के, देखो बहुत सारी स्पीशीज होती है, तो जैसे कि जिसमें से हमने बार्बेडेंसिस पढ़ा, इसी से क्या होंगे हमारे बार्बेलोइन, बीटा बार्बेलोइन, एलोइन, ये सब क्या यहीं से हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसी के नाम से बन जाते हैं, तो इतना घबराना नहीं है। तो देखो इसको इसके सिनोनिम मैंने लिख दिए हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप ये भी लिख के आओ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिनोनिम में देखा एलोय वल्गैरिस, एलोय ऑफिसिनेलिस, एलोवेरा लिन। उसके बाद एलो बार्बेडोंसिस का, बार्बेडोंसिस का एक और नाम किस नाम से जाना जाता है, क्यूराकाओ एलोय या फिर बार्बेडोस एलोय के नाम से जाना जाता है। एलोय फेरोक्स यानी कि केप एलोय बोला जाता है इनको। एलोय पेरी यानी क्या, एक और नाम क्या होगा इनका, सोकोट्रिन और जंगीवर एलोयस बोला जाता है। उसके बाद फैमिली देखी इसकी, AL है एलोय, या लिलीसी हो गई इसकी फैमिली। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि एलोइन क्या है, एक ग्लाइकोसाइड है जो कि किसमें
केप एलॉय में कितना है, 4 से 5% है एलॉइन, और क्यूराकाओ एलॉय यानी कि केप एलॉय अभी बताया क्या ये एलॉय फेरॉक्स, उसके बाद क्यूराकाओ एलॉय 18 से 25% हो जाते हैं। इमोडिन है इसके अंदर, वोलेटाइल ऑयल है, रेजिन है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स है, ये सब अभी बताए थे, बारबेलॉइन बीट बारबेलॉइन आइसो बारबेलॉइन के बारे में। उसके बाद हमने क्या देखा, इन्हीं के ही थेरापेटिक यूजेस देखे, पर्गेटिव की तरह कॉन्स्टिपेशन में एलोजेल जो है स्किन पे जितनी भी दिक्कतें हैं, स्किन पे छाले हो गए, स्किन में इरिटेशन हो गई, स्किन जल गई है, वहां पे क्या एलोवेरा जेल देखा है आपने यूज हो जाता है, और कॉस्मेटिक्स में भी कितना यूज है इसका, और कंपाउंड बेंजोइन टिंचर के इंग्रेडिएंट यानी कि उसकी कंपोजिशन में भी ये हमारा यूज होता है। उसके बाद हमने अपना कैस्टर ऑयल देखा, इसके सिनोनिम्स देखे, कैस्टर बीन ऑयल, ओलियम रिसिनी, रिसिनस ऑयल, और रिसिनी को ही याद करके हमें इसके सारे बायोलॉजिकल सोर्स को बताना है। देखो रिसिनस कम्युनिस्लिन फैमिली बतानी, U4BAC और कोल्ड एक्सप्रेशन से इसको बनाया जाता है, फिक्स्ड ऑयल है ये एक। फिक्स्ड ऑयल में क्या क्या देखो पाया जाता है, किसकी ग्लिसराइड्स होते हैं, रिसिनोलिक एसिड, आइसोरिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, और कौन सा हमारा पाल्मिटिक एसिड होता है इसके अंदर। प्रोटीन्स देखे, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, न्यूक्लियो एल्ब्यूमिन, ग्लाइकोप्रोटीन, रिसिन, ये सब। और पर्गेटिव नेचर जो होता है यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाते हैं वो किसकी वजह से होता है, रिसिनोलिक एसिड की वजह से होता है। उसके बाद हमने थेरापेटिक यूज देखे, पर्गेटिव, और कैस्टर ऑयल जो है हमारा ऑइंटमेंट बेस बनाने में यूज होता है, हेयर ऑयल की तरह यूज होता है, हेयर फिक्सर की तरह, ये एक्स है, फिक्सर्स की तरह यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में इसका यूज है, कॉस्मेटिक्स में, पेंट्स में, लुब्रिकेंट्स में, ग्रीस में और पॉलिशेज में। सो ये हमारा यहाँ पे कैस्टर ऑयल का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम अपना स्पागुला के बारे में देखेंगे और सेना के बारे में देखेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।